पीएमडब्ल्यू आई की प्लानिंग क्या है? मोस्टली 10-20% जो बता सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पे हमारे इंडिया लेवल का कोई कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, तो लैंग्वेज बैरियर वर्ड अब इतने ज़्यादा तो इतना तो मुझे पता है कि वहाँ के कोच और एनालिस्ट लोग जो है वो इंडिया लेवल के लिए ये नहीं करेंगे कि बाजू में एक ट्रांसलेटर बिठाए, ये बंदा हिंदी में बता रहा है, जल्दी से इसका ट्रांसलेट करो। हम लोग वही जो नॉर्मल हम लोग करने वाले वही करेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं करेंगे। हमारे पास जितना भी है हमारे पास बहुत इनफ टाइम है मेरे हिसाब से, तो बस डिवाइस लॉन्च हो जाए जो भी इंटरनेशनल में यूज़ होने वाला है। तीसरी चीज़ होगी रीडिंग जो अमित भाई कर लेंगे, चौथी चीज़ होगी BGMI 2 पबजी मोबाइल शिफ्टिंग जिसके अंदर प्रैक्टिस पबजी मोबाइल के अंदर होगी, पाँचवीं चीज़ होगी इंटरनेट जिसको मैं सॉल्व कर दूंगा, बहुत सारी और भी चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करेगा ये मेरा प्रॉमिस है। PMWI के लिए तो कुछ भी होगा, बाहर का इवेंट अगर होगा तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर, बहुत हेल्प करेगा टीम को। इस बार तो हम टीम इंडिया बन के जाएंगे। इंटरनेशनल स्क्रीम्स होगी क्या? आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हमको इंटरनेशनल स्क्रीम्स खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, हमको उनके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आप हम पे ज़रा सा भी ट्रस्ट करते हो, अब तक तो आई थिंक हम लोग वर्दी इनफ तो हो चुके मैं अमित भाई और पूरी टीम और सीड भाई सब, कि अब आप एटलीस्ट हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे डिसीजंस पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे डिसीजंस हमेशा फिल्टर्स होके काम करते हैं, हमारा एक का ही नहीं होता है। वी डोंट नीड एनी कोई हमको एनालिस्ट और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कर लेते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एनालिस्ट और कोच जो भी वो होता है ना, हम लोग प्लेयर्स के साथ में बैठ के ही उन्हीं से करवाते हैं या फिर उनके साथ ही हम साथ में हेल्प करके करते हैं, बिकॉज हम एनालाइज करके बताएंगे ना तो उनको याद नहीं रहेगी वो चीज़ें, ये मेरा ओपिनियन है। जैसे कि मान लो ये वही बात हो गई कि कोई टीचर अगर कोचिंग में पढ़ाता है तो नोट्स अगर आप किसी दूसरे की कॉपी करते हो तो होता क्या है, तेरी माँ का मैं पहनो हेटर्स आ गए। कोचिंग में टीचर भी पढ़ाता है तो आप किसी फ्रेंड के अगर नोट्स लेते हो तो आपको इतना वो कंफर्टेबल फील नहीं होता होगा, आपको याद नहीं रहता मैंने ये चीज़ का क्या लिखा था, कहाँ लिखा था, क्यों लिखा था और कैसे लिखा था, लेकिन आपके खुद के अगर वो लिखे हुए रहेंगे तो रहेगा ऐसा, समझ रहे हो। ओमेगा जो है ना वो पबजी जब बैन हुआ था उससे पहले खेल चुका है, वो भी इंटरनेशनल वाइल्ड कार्ड में ऑस्ट्रेलिया में 2-3 बार खेला है ओमेगा भी इंटरनेशनल, ऐसा कुछ है नहीं, लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि लोग जानते नहीं है, बस इग्नोर कर देते हैं अगर अंडरडॉग्स, उस टाइम तो अंडरडॉग ही था, तो वही है। और बिल्कुल भी आप चिंता ना करो,